कंप्यूटर का नया वर्जन नहीं होता है, पहले विंडोज 98 होता था, फिर 2002 हुआ, आजकल तो विंडोज से भी मामला आगे बढ़ गया है। मोबाइल पे एंड्रॉइड चलता है जी, हर बार उसका नया नया अपडेट आते रहता है। तो ये नयका अंग्रेज जो दिल्ली में बैठा है ना अपडेट होकर के, तो हम भी नयका जसपाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल अपडेट होकर के तैयार हो गए। पहले होता था कि हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, अब एक ही पत्रकार सबका पत्रकार है, जहां न्यूज लग जाए। क्या साहब, ये अंग्रेजों का तरीका था कि गाय का मांस मंदिरों में फिंकवा दो, सुअर का मांस मस्जिदों में फिंकवा दो, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लगेंगे, हम लोग आराम से अपने डाइनिंग हॉल में बैठ करके चाय पे चर्चा करेंगे। तो हिसाब कभी कभी गड़बड़ा जाता है, हिसाब गड़बड़ा गया, अब नया मैसेज चलना शुरू हुआ कि सीए के तहत नागरिकता दे देंगे। अब एक नया संकट है, संकट यह है कि सीएए के तहत नागरिकता लेने के लिए पहले नागरिकता छोड़नी पड़ेगी ना, और नागरिकता छीनी कैसे जा रही है इसको जान लीजिए। कागज की छोटी छोटी गलतियों के आधार पर, अगर कागज की छोटी छोटी गलतियों को आधार बना करके लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी, तो कागज में गलती खाली मुसलमान को होता है कि हिंदुओं को होता है? सबका होता है, मेरे कागज में भी गलती है। और किसी भी आदमी से आप पूछिएगा ना, 100 में से 50 वो आदमी आपको ऐसा मिलेगा जिसके कागज में गलती आपको मिल जाएगी, 100 में 50। कोई अपना वोटर आईडी निकाल लीजिए, आधार कार्ड निकाल लीजिए, आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र निकाल लीजिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, सब जगह आपके बाप का नाम सही होगा, ये जरूरी नहीं है। अब चेक करके देख लीजिए, हिंदी अंग्रेजी लिखने के चक्कर में मास्टर साहब के मूड पे निर्भर करता है, हो सकता है उस दिन हलवा बनाने के सवाल पे झगड़ा हो गया हो, जहां आई लिखना चाहिए वहां वाई लिखा गया है, कहीं एम ओ एच ए डी मोहम्मद लिख दिया है, कहीं एम डी मोहम्मद लिख दिया है, कहीं एन आई एल एम नीलम लिखा हुआ है, कहीं एन डबल एल एम नीलम लिखा हुआ है, और जन्मदिन का तो पूछिए ही मत, आधा बिहार का लोग जनवरी में जन्मते हैं, जनवरी में जन्मते नहीं है, जन्मे किसी महीना में मास्टर साहब जनवरी लिख देते हैं। इसीलिए फेसबुक पे आप देखिएगा कि आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपके फलना दोस्त का जन्मदिन है, आप भी फटाफट मोबाइल से फोन कीजिएगा, क्या जी हैप्पी बर्थडे, कहेगा किस बात का बर्थडे, फेसबुक में बता रहा था, अरे वो तो कागज वाला है। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? कागज की छोटी छोटी गलतियां और कौन फेड़ा में फंस रहे हैं, बुरा हुआ है। और दूसरा जनरेशन है जिन्होंने आजादी देखी होगी वो आज जिंदा है, जो आजादी के दौर में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे वो पीढ़ी आज भी जिंदा है। तीसरी पीढ़ी आते आते हमने उस संघर्ष को भुला दिया, ये हम कैसे भूल गए कि ये अंग्रेजों का तरीका था, ये अंग्रेजों का तरीका था कि गाय का मांस मंदिरों में फिंकवा दो, सुअर का मांस मस्जिदों में फिंकवा दो, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लगेंगे, हम लोग आराम से अपने डाइनिंग हॉल में बैठ करके चाय पे चर्चा करेंगे। यही हो रहा है ना? मेरा किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों से बस इतना सवाल है, किस देश में अंग्रेजों की बूट के सामने गांधी जी सूट बूट पहन करके नहीं खड़े हुए थे, सूट बूट उतार दिए, आधा धोती पहन लिए, आधा लो धोती लपेट लिए, लाठी लेकर के अंग्रेजी टैंक के सामने खड़ा होकर के कहा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अंग्रेज हारे कि नहीं हारे? अंग्रेज हारे ना, अंग्रेजों को छोड़ के जाना पड़ा ना, लेकिन एक तकलीफ हुई, तकलीफ यह हुआ कि धर्म के ठेकेदारों ने इस देश को दो हिस्से में बांट दिया, एक बार फिर से नया टेंडर पास हुआ है, पुरनका रोड टूट जाता है तो नया टेंडर नहीं पास होता है, धर्म की ठेकेदारी का नया टेंडर पास हुआ है, और सब लोग अपना अपना बायोडाटा बना करके टेंडर भर रहे हैं। ए बेईमान, कान खोल करके सुन लो, राजनीति अगर आज हमको यहां खड़ा कर दी है तो नेता बनने के लिए खड़ा नहीं है,
तुम्हारी जो देश को बांटने वाली राजनीति है उसको बर्बाद करने के लिए यहां खड़े हैं। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रख लेना कि अगर तुम अंग्रेजों की चाल चलोगे ना, तुम अगर 21वीं सदी का कंप्यूटर का नया वर्जन नहीं होता है, पहले विंडोज 98 होता था, फिर 2002 हुआ, आजकल तो विंडोज से भी मामला आगे बढ़ गया है, मोबाइल पे एंड्रॉइड चलता है जी, हर बार उसका नया नया अपडेट आते रहता है। तो ये नयका अंग्रेज जो दिल्ली में बैठा है ना अपडेट होकर के, तो हम भी नयका जसपाक उल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल अपडेट होकर के तैयार हो गए। इस बात को याद रखना कि तुम अगर नफरत फैलाओगे इस देश में, तो हम नफरत से नहीं मोहब्बत से तुमको हरा देंगे, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान की ताकत यह होती है कि इंसान सोच सकता है, भेड़िया बुलाता है लेकिन भेड़िया मसाल नहीं जला सकता है। हम इंसान हैं, हम इंसानियत से मोहब्बत से इस नफरत की खेती को तबाह कर सकते हैं। हमको यह समझना पड़ेगा कि बस ध्यान अपना नहीं भटकने देना है, मुद्दे पे जो है अपनी बात को टिकाए रखनी है। इसीलिए एनपीआर की इस लड़ाई में हम लोग बेरोजगार के सवाल को नहीं भूल रहे हैं, इसीलिए हर मंच पे जाकर के कह रहे हैं कि बिहार मांगे रोजगार, नहीं चाहिए एनपीआर। कोई भी लड़ाई अलग अलग नहीं लड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री अगर दो दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाए तो उनको जिंदगी भर पेंशन मिलेगा, मुख्यमंत्री अगर एक घंटा के लिए मुख्यमंत्री बन जाए तो उनको जिंदगी भर पेंशन मिलेगा, विधायक सांसद सबको पेंशन मिलेगा। लेकिन ये जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं ना, ये जिंदगी भर सरकारी नौकरी कर रहे हैं लेकिन बुढ़ापे में इनको पेंशन नहीं मिलेगा। क्या ठीक बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? नया पेंशन के नाम पे इनका पेंशन छीन लिया है। अब देख लीजिए, ये सरकारी नौकरी करते हैं और वो सरकार है, यही फर्क है। इनके लिए छोटी छोटी चीजों के लिए बिल नहीं पास होता है और उनके लिए 175 करोड़ का प्राइवेट जेट खरीद करके लाया जाता है। काहे भाई, वही देश चला रहे हैं, देश चलाने में इन लोगों की भूमिका नहीं है, उन्हीं के लिए सारा सुविधा है। बड़का बड़का पोस्टर लगा हुआ है पेट्रोल पंप पर, अब मोदी जी एकदम दांत खिसोरे उसमें फोटो खिंचा रहे हैं और उस पर क्या लिखा हुआ है कि सब्सिडी छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया बात, सब्सिडी छोड़ दीजिए। इस सांसद सबका है नहीं अपना सब्सिडी छोड़ देता है, जो कैंटीन में खाता है ये अपने घर में अपना सब्सिडी का नहीं छोड़ देता है, इसको जो यात्रा पे सब्सिडी मिलती है वो काहे नहीं छोड़ देता है। मतलब त्याग करना जनता के कंधे पे, सारा परेशानी जनता खुद उठाए। इनके हिसाब से सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी ट्रेन नहीं होना चाहिए, सरकारी बस नहीं होना चाहिए, तो सरकारी गृह मंत्री लेकर के ढोलक बजाएंगे क्या करेंगे? ये सब हमको नजर ना आए, हम अपनी समस्या में ऑलरेडी परेशान हैं, उस पर से ये एक नया समस्या नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। ये इसलिए खड़ा कर देते हैं कि अपनी समस्याओं से जो हम जूझ रहे होते हैं उन समस्याओं को लेकर के हम सरकार को जिम्मेदार ना ठहरा पाए। इनकी गति भी आप ही की जैसी है, अगर आपकी जैसी नहीं है तो यहां पर धूल मिट्टी में क्या कर रहे हैं? ये भी हेलीकॉप्टर पे उड़ते हैं, ये हेलीकॉप्टर पे नहीं उड़ेंगे। कौन उड़ेगा? इनकी कंपनी का मालिक हेलीकॉप्टर पे उड़ेगा, इनका एडिटर हेलीकॉप्टर पे उड़ेगा। और इनका क्या दोष है? वहां बॉस बदलता है, यहां रिपोर्ट बदल जाता है क्या सर? जो दिया है पैसा उसका फोटो छापेंगे, आप दे दीजिएगा पैसा आपका भी फोटो छाप देंगे। इन पे गुस्सा मत कीजिए, आपको लगता होगा कि इनका दोष है, ये अपना लड़ाई खुद नहीं लड़ पा रहे हैं बेचारे। मजीठिया आयोग ने कहा कि इस देश में पत्रकारों का सबसे ज्यादा शोषण होता है। आज इनकी स्थिति यह है कि इनको भी मिनिमम वेज नहीं मिलता है, वेज का तो छोड़ दीजिए,
एकदम न्यूज पर जितना न्यूज भेजेंगे और जितना छपेगा उसी के हिसाब से पेमेंट होता है। पहले होता था कि हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, अब एक ही पत्रकार सबका पत्रकार है जहां न्यूज लग जाए। क्या साहब, जो रोज आकर के सफाई का काम करते थे वो हड़ताल पे थे। उसके बाद आप देख लीजिए, परसों दरोगा भर्ती में जो घोटाले की बात आई, शायद वहां दिल्ली में लिट्टी चोखा खा रहे थे, और यहाँ दरोगा अभ्यर्थी जो है मार डंडा से पिटा पिटा करके चोखा बन रहा था। कि लिट्टी चोखा खाएंगे लेकिन हमको धोखा नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये सब वर्दी पहन करके लोग यहां खड़े हैं ना, देश की सुरक्षा के लिए नारा भी वहां लगा हुआ है, पर्यावरण को यूं ही व्यर्थ ना बहाएं, पर्यावरण बचाएं। कर लो, तुम जेल में डालो, तुम डंडे मारो, तुम पत्थर मारो, तुम गोली चलाओ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।